मोहन भागवत जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख हैं, उनके खिलाफ आज मैंने मुजफ्फरपुर के सीजीएम की अदालत में एक आपराधिक मामला दर्ज कराया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की एक अदालत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ मंगलवार को एक शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसमें उन पर ब्राह्मणों का कथित अपमान करने का आरोप लगाया गया। याचिका में मुंबई में भागवत के संबोधन की मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया, जब मोहन भागवत संत रविदास की जयंती के मौके पर आयोजित एक समारोह में भाग ले रहे थे। मराठी में दिए गए अपने संबोधन के दौरान आरएसएस प्रमुख ने समाज में चल रहे जाति व्यवस्था के लिए पंडितों को दोषी ठहराया था। भागवत के इस बयान के बाद काफी विवाद शुरू हो गया। बाद में आरएसएस ने एक बयान जारी करके इस बात से इनकार किया कि भागवत ने किसी विशेष जाति का उल्लेख किया था। संघ ने दावा किया कि पंडित शब्द ज्ञानियों के लिए इस्तेमाल किया गया था, न कि किसी जाति या धर्म के लिए। लेकिन मुजफ्फरपुर के वकील सुधीर कुमार ओझा ने शिकायत दर्ज करवाते हुए अपनी याचिका में आग्रह किया है कि भागवत के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सार्वजनिक शांति भंग करने से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख तय की है। मोहन भागवत जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख हैं, उनके खिलाफ आज मैंने मुजफ्फरपुर के सीजीएम की अदालत में एक आपराधिक मामला दर्ज कराया है, जिसमें आईपीसी की धारा 500, 504, 505, 506 के साथ साथ 153, 153A के तहत दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया है कि 5 फरवरी को उनके द्वारा मुंबई में रविदास जयंती के क्रम में एक वक्तव्य दिया गया, जिसमें उन्होंने जानबूझ करके आक्रोशित और लोगों को उपद्रव मचाने और समाज को तोड़ने के ख्याल से यह बयान दिया कि जो समाज में देश में जात का जो वर्गीकरण है, जो विभाजित किया गया है, वह ब्राह्मण के द्वारा पंडित द्वारा किया गया है, न कि भगवान के द्वारा किया गया है, और यह तथ्य सिर्फ वोट की राजनीति के लिए उनके द्वारा किया गया है, जिससे पूरे देश में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। इसके साथ साथ पूरे देश में इनके द्वारा दिए गए इस बयान से समाज में जो बिखराव है उसका भी बढ़ने का आशंका बढ़ गया है। मैंने न्यायालय से मांग किया है कि इन पर कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए। माननीय न्यायालय ने इसको गंभीरता से देखते हुए 20 फरवरी की तिथि सुनवाई के लिए मुकर्रर की है। इन विवादों के बीच मोहन भागवत 10 फरवरी को भागलपुर आने वाले हैं। उनके दौरे से पहले जिले में अलर्ट जारी किया गया है। भागवत के इस दौरे को लेकर ISI, माओवादी और कट्टर पंथियों की तरफ से धमकियां मिलने लगी हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अब देखिए, वो जेड प्लस प्रोटेक्टी हैं, उनका जो भी प्रोटोकॉल है उसके तहत उनके कार्यक्रम स्थल की और उनका उनका आवागमन के दौरान जो भी सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी, हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए संयुक्त आदेश निकलेगा और उसके तहत कार्रवाई होगी। सेंसिटिव स्थानों पर नहीं, उसको जो भी उनका दौरा है, जिन जिन जगह उनको जाना है, जिस रास्तों से गुजरना है, वो लोग हम लोग रूट प्लानिंग कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका डेपुटेशन किया जाएगा। देखिए, जो भी चीज़ हो हम लोग हमेशा सतर्क रखते हैं, ठीक है ना। और इसीलिए कल SSP सर और जो SDPO हैं वो स्वयं गए भी थे, कल कुपाघाट पे उनकी विजिट भी हुई थी। और हम लोग का जो कंप्लीट जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो डेपुटेशन होना है वो हम लोग उसको इंश्योर करा रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। पूरी तरीके से पुख्ता है और हम लोगों ने हर एक जो सेंसिटिव पॉइंट्स है वहाँ पे डेपुटेशन किया है, आसपास में लोगों से बात भी की है और जो प्रशासन है वहाँ की जो समिति है उनसे भी डिटेल में बात हुई है। कुल प्रोग्राम उनका लगभग 4.25 घंटा का है, हम लोग पूरी शांतिपूर्वक तरीके से उसको करवा लेंगे। सर, CCTV और सादे निवास में पुलिस बलों की तैनाती होगी? बिल्कुल, हम लोग का जो भी जो है एक जो SOP होता है हम लोग का, उसको हम लोग फॉलो करते हुए उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। अतिक्रमण का जो मेन रोड का जो अतिक्रमण है उस पर थाना प्रभारी ने उस पर एक बार किया है और हम लोगों ने बोला है कि जब तक कार्यक्रम है उस पर लगातार करते रहेंगे और एक परमानेंट सॉल्यूशन भी हम लोग उसका कर देंगे। मोहन भागवत के लिए जेड प्लस सुरक्षा के अलावा बाकी की सुरक्षा भी चाक चौबंद रखी जाएगी। जगह जगह सादे कपड़ों में पुलिस वाले तैनात किए जाएंगे। CCTV के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। 10 फरवरी को महर्षि मेही आश्रम कुपाघाट में सद्गुरु निवास स्थल का लोकार्पण किया जाना है। साथ ही महर्षि मेही परमहंस महाराज पर बनने वाले डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर का लोकार्पण भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई बड़ी हस्ती मौजूद रहेंगी।
बाबा रामदेव आचार्य किशोर कुणाल भी इस समारोह का हिस्सा होंगे। मोहन भागवत का यहां करीब 4 घंटे का कार्यक्रम रहेगा।